तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पास स्टडी पॉइंट में। आज का वीडियो बहुत बड़ी खबर लेके आया है आप लोगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है उन छात्रों के लिए जो 2020 में बिहार बोर्ड में इंटर और ग्रेजुएशन में एडमिशन को लेकर परेशान है। तो आप इस चैनल में बने रहें और इस वीडियो को अंत तक देखें। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ऐसा क्योंकि पता है कि कोरोना के महामारी का दौर चल रहा है और पूरा देश और स्कूल कॉलेज बंद है, जिस कारण से अभी तक इंटर और ग्रेजुएशन की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हो पाई। लेकिन अब राज्यपाल जो है सो फागू चौहान, उन्होंने छात्रों के भविष्य को देखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप लिए हैं। तो आइए जानते हैं वह इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, नामांकन कैसे होगी, कब से होगी, क्या डॉक्यूमेंट्स लेंगे, ये सभी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आपसे अनुरोध है कि आप एक लाइक जरूर दें दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। पहले जहां CBSE और ICSE के 12वीं के रिजल्ट नहीं आने के कारण जो है सो अभी तक नामांकन स्टार्ट नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बिहार बोर्ड ने तो अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन अभी भी जो है सो CBSE और ICSE का रिजल्ट जो है सो लटकाया हुआ है, जिसके चलते अभी भी एडमिशन में बहुत जगह दिक्कत हो रही है। कुछ ऐसे छात्र हैं जो वो बिहार बोर्ड से चाहते हैं कि हम CBSE में जाके नामांकन लेंगे, चाहे ICSE में, तो उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों। नहीं शुरू हो रहा है स्नातक का नामांकन। जी हाँ, नामांकन नहीं शुरू हो पा रहा है स्नातक का, इंटर का और ग्रेजुएशन का। जानते हैं खबर को विस्तार से दोस्तों। पहले जहां कोरोना की वजह से नामांकन प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही थी, वहां अब CBSE व ICSE में 12वीं का रिजल्ट नहीं आने से विश्वविद्यालय व कॉलेज में स्नातक के नामांकन प्रक्रिया नहीं शुरू की जा रही है। हालांकि पटना विश्वविद्यालय ने बिहार बोर्ड के रिजल्ट के बाद ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी। जी हाँ, बताना चाहूँगा आपको, पटना यूनिवर्सिटी का नामांकन जो है सो वो स्टार्ट हो चुका है और आप जाके नामांकन का फॉर्म भर सकते हैं। 20 जून तक वहाँ लास्ट डेट है, लेकिन पाटलिपुत्र और विश्वविद्यालय मौलाना मजरुल हक अभी तक भी ये नामांकन का प्रक्रिया स्टार्ट नहीं किए थे, जिसके चलते यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पटना यूनिवर्सिटी का भी नामांकन का प्रक्रिया का डेट बढ़ सकता है। इसीलिए फिर भी आप लोग एक सतर्कता के तौर पे मैं आपको कहना चाहूँगा, ऐसा तो कोई ऐलान नहीं किया गया है पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा, इसलिए आप लोग अभी जाके तुरंत के तुरंत आप पटना यूनिवर्सिटी में नामांकन जाके भर दिए पटना साइंस कॉलेज के लिए दोस्तों। पटना साइंस कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, बहुत सारे ऐसे कॉलेज जहाँ पर आप जाके आसानी से नामांकन कर सकते हैं। 20 जून तक डेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। स्नातक का रिजल्ट नहीं जारी होने से PG में नामांकन की प्रक्रिया भी फंसी। जी हाँ दोस्तों, स्नातक का रिजल्ट नहीं जारी हो रहा है ना वो CBSE और बिहार बोर्ड का, ये इसका ICSE का, इसलिए उसमें भी दिक्कत हो रही है दोस्तों। आइए हम जानते हैं खबर को विस्तार से। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों हम आ गए हैं विस्तार से खबर जानने के लिए। राज्यपाल 9 जून से 15 जून तक VV की करेंगे समीक्षा। जी हाँ, पटना, ये बिहार के जो राज्यपाल हैं फागू चौहान, वो 9 से 15 जून तक समीक्षा करेंगे विभिन्न विश्वविद्यालयों का, कि आखिर वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस की समीक्षा की जाएगी कि आखिर वहाँ नामांकन का प्रक्रिया अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हुआ। राज्यपाल फागू चौहान 9 जून से 15 जून तक प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों की समीक्षा करेंगे। अधिकतर विश्वविद्यालयों की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की जाएगी। जानकारी के मुताबिक 9 जून को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक पूर्णिया विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय एवं BM मंडल विश्वविद्यालय के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। इस तरह 11 जून को BRF बिहार विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय की समीक्षा तय की गई है। 12 जून को तिलका मांझी विश्वविद्यालय मुंगेर। तो जी दोस्तों, इस प्रकार से इसमें जो है सो दी हुई है कि कौन यूनिवर्सिटी का कब समीक्षा करेंगे। जी कुलपति चाह रहे हैं, मतलब कुलपतियों से वो लोग बात करेंगे, हमारे जो राज्यपाल हैं वो। राज्यपाल चाह रहे हैं कि बच्चे का भविष्य अंधेरे में ना रहे, वो बच्चों का हम टाइम पर एडमिशन करवा दें जिससे कि उनकी पढ़ाई जो है सो बाधित नहीं रहे। जी हमको भी पता है आप लोग अभी बहुत टेंशन में है कि किस तरह से परीक्षा की, किस तरह से जो है सो एडमिशन होगा आप लोग का, क्या प्रोसेस होगा, नहीं होगा। तो आप लोग निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगी दोस्तों मैं आपको सबसे पहले नोटिफाई कर दूंगा कि यहाँ पे जो है सो फॉर्म भरने की तिथि स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे फॉर्म भरने की तिथि स्टार्ट हो गई है, इस जगह फॉर्म भर सकते हो, आप अपना कैरियर को ऐसे ले जा सकते हो। ये सभी मुद्दों पर हम आपसे बात करने, आपसे आपको सिर्फ इतना करना है, आपको वो लाल कलर का जो बटन है सब्सक्राइब का उसको दबा के आप काला कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों में जरूर इसको शेयर कीजिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद, वंदे मातरम। और आप लोग, आशा करता हूँ आप लोगों को साइंस कॉलेज में एडमिशन हो।